गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब तक जो हमने एक्सरसाइज करवाई थी उसमें हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हैं। प्रीवियस वीडियो में मेरी 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। कुछ लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, खुद हो जाएंगे। आज जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं वो है 10.4, मतलब आपकी 4th एक्सरसाइज है। और 4th एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं आने वाला है, बस पुरानी जो आपने पढ़ी है उन्हीं इक्वेशन को चेंज करना होता है आपने, ठीक है। तो किसी में पूछेंगे जो आपने फॉर्म पढ़ी हुई है उन्हीं में आपसे चेंज करवाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, रिड्यूस द इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0 2। ये कोई इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, इसको चेंज करना है नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब y = mx + c होते हैं ना फॉर्म वाले, एंड फाइंड इट्स स्लोप। स्लोप निकालना है मतलब m निकालना है एंड y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। जो c की वैल्यू होती है गलत है, वो y इंटरसेप्ट। सेकेंड आ जाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, x/a + y/b = 1 की फॉर्म में निकालना है और इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ये निकालना है। तो ये सब हम फॉर्म पढ़ के आ चुके हैं पहले। एक ही स्ट्रेट लाइन की सारी फॉर्म बन सकती हैं, अब वो कैसे कैसे बनती हैं वो देखना है आपने, और बस उन्हीं क्वेश्चनों को चेंज करना है, मतलब फॉर्म को केवल चेंज करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। करें तो देखो, फर्स्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0। क्या बनानी है इसकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनती है इसमें, y = mx + c होता है, इसको चेंज करना है y = में, चेंज करो तो ऐसे इसको यूं लिख दूं 2x + 3y = 6, 3y = 6 - 2x, ठीक है। और 3 को डिवाइड में ले आओ, 3 डिवाइड में आएगा 2 - 2/3x, समझ आया। इसको यूँ लिख दो y = -2/3x + k2। देखें बनी ना फॉर्म y = mx + c, तो क्या हो गया, विच इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इन विच, इसमें बताओ स्लोप क्या है, तो x से पहले जो होता है वो m होता है और वो स्लोप कहलाता है, तो इन विच स्लोप = -k2/3 होगा स्लोप, एंड y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना आएगा, y इंटरसेप्ट जो प्लस c की वैल्यू होती है कितनी है, 2, तो 2 आ गया y इंटरसेप्ट। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल है ना, ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़े सिंपल बता दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेकंड फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है इसी क्वेश्चन की, सेकंड ले लो तो अगेन गिवन इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0। अब इस फॉर्म में क्या होता है, = 1 होना चाहिए उधर, यही ना, और एक्स वाई के आगे +1 + 1 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, डिवाइड में चाहिए कुछ भी आ जाए। तो कैसे करेंगे, 6 को पहले वहां ले गया, 2x + 3y = 6, और अब मैं 6 को डिवाइड में ले आया, देन 2/6 आएगा तो ये हो गया x/3, 3/6 आएगा तो हो गया y/2, और = कितना हुआ 1, बन गई ना फॉर्म। देखो फ्रेंड्स, तो इसे बोलेंगे क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना सर फॉर्म, जो बोले क्वेश्चन बस वो ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आ जाओ, एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ये रही ना, एक्स के डिवाइड में एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के डिवाइड में वाई का इंटरसेप्ट, एंड एक्स इंटरसेप्ट = 3 और वाई इंटरसेप्ट = 2, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझ आया होगा आई होप, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखा है। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, फाइंड इट्स स्लोप, इसका स्लोप निकाले एंड एक्स वाई इंटरसेप्ट और एक्स वाई के इंटरसेप्ट भी निकाले, ये करना है। तो पहले तो स्लोप देखो। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलता है, तो वही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना ले आप, बन गया स्लोप ने आप। ठीक है तो कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10 माइनस के 3x, देन y इक्वल टू 10 बाई 4 प्लस में 3 बाई 4x हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं इसको देखो u राइट कर सकता हूँ, y इक्वल टू 3 बाई 4x प्लस 5 बाई 2, यहाँ से कट हो गया। तो ये बना ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है तो क्या लिखोगे, कंपेयर इट विद, आप यू भी कर सकते हैं इसको या सीधा भी लिख सकते हैं, कंपेयर इट विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हैंस m इक्वल्स टू 3 बाई 4, मतलब ये स्लोप आ गया 3 बाई 4। ठीक है यही पूछा है ना, फाइंड द स्लोप, दिस एम्प्लाइज स्लोप इक्वल टू 3 बाई 4, ये आंसर हो गया पहला। अब सेकंड निकालें, क्या बोला है, एक्स वाई इंटरसेप्ट, दोनों के निकालने इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स कैसे आएंगे इंटरसेप्ट, तो वही है बराबर में 1 लेके चलो। देखो y का तो आ ही रहा है इंटरसेप्ट, कितना है y का 5 बाई 2, लेकिन x का और निकालना पड़ेगा ना, तो रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो कैसे करूं, देखो नाउ ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट, फिर से पहली इक्वेशन से 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 वहाँ ले जाओ, 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 10, देन माइनस 10 डिवाइड में लेके आओ स्टूडेंट्स 3y माइनस 10x माइनस में 4y माइनस 10y और इक्वल टू प्लस का 1, ये। ठीक है अब देखो क्या आएगा, इसको यूँ कर दूँ x ओवर माइनस के 10 बाई 3, क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस में ये तो कट गया वाई ओवर 5 बाई 2 कट जाएगा नीचे आ जाएगा और इक्वल टू कितना हुआ, हुआ देखिए फॉर्म बनी ना, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे, हेयर एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस के 10 बाई 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 बाई 2। देखो y का इंटरसेप्ट तो हम यहाँ से भी निकाल रहे थे, दोनों एक ही आएंगे, आंसर सेम आना, तो कहीं से निकाल दो चाहे। तो ठीक है स्टूडेंट्स समझ आया क्वेश्चन, तो बताया मैंने इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इस पे। देखो अभी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है वाली, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है सेम। देखो क्या है, रिड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 टू द नॉर्मल टू द फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही फॉर्म चेंज करनी है एंड हैंस फाइंड द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब स्लोप मतलब m और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब हो गया c, ये निकालना है। तो पहले इसको u चेंज करना है फिर निकालना है। आगे एक बात और बोलती क्या, एंड द इंक्लाइनेशन टू द x एक्सिस, मतलब एंगल निकालना है x के साथ कितना बनता है। ठीक है तो क्या आएगा, देखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है रूट 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको चेंज करना है इस फॉर्म में, तो ये तो चेंज हो ही जाएगी, y इक्वल टू माइनस के रूट 3x माइनस 1 कर दो, इधर गया तो माइनस इधर आया तो माइनस हो गया। तो क्या लिखोगे, ये आंसर हो गया मेरे पास, दिस इज इन द फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है हेयर स्लोप इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड c इक्वल टू माइनस 1,
स्लोप तो हो गया m, m इक्वल टू माइनस रूट थ्री हो गया, एंड और c का मतलब हो गया y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस वन, तो y का इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया माइनस रूट थ्री, ठीक है। अपने एंगल निकालना है ना, तो m की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री, हाँ तो टेन की वैल्यू माइनस कहाँ होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, रूट थ्री कहाँ होती है खाली रूट थ्री 60 पे, हाँ तो 180 में 60 लेस कर दो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पे खत्म होती है वैल्यू ना, हाँ तो 180 में 60 लेस, मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाँ तो 180 में 60 लेस करो तो टेन थीटा इक्वल टू ये वैल्यू होगी 120 पे कट, टेन थीटा इक्वल टू 120 एंगल होगा 120, ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक भी कर लेना चाहिए 120 भी यही आंसर आएगा माइनस रूट थ्री, आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट टॉपिक हम, अब क्या है ये इक्वेशन गिवन है और इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, एंड एम्स फाइंड पी, पी की निकालनी है वैल्यू, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे हो गया, इक्वेशन बनी बनाई नहीं तो क्या होती थी नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपको पी और अल्फा पता होता है, याद कीजिए फॉर्म ये होती है नॉर्मल फॉर्म, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, पी होता है 90 नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से, ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस, ये आपकी इक्वेशन बनती है नॉर्मल फॉर्म में, तो बनाओ इसको इस तरह, देखो कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से, सबसे पहले इधर जो वैल्यू रहे कॉन्स्टेंट उसको उठा के यहाँ लेके आएगा बार बार, सिंपल केस, ठीक है, पहली वैल्यू, तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट है उसको यहाँ लेके आएंगे, पहले बता रहा हूँ ट्रिक कि नॉर्मल फॉर्म कैसे बनेगी। अगले स्टेप पे अब x के आगे कितना है और y के आगे कितना है, दोनों का स्क्वेयर करो और ऐड करो, उससे आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है, क्या लिखोगे, डिवाइड बाय किससे, इससे आगे कितना है 1 का स्क्वेयर प्लस में से कितना है 2 का स्क्वेयर, ऐसे, ठीक है, इसके आगे 1 का स्क्वेयर प्लस इसके आगे 2 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर पूरे पे रूट, डिवाइड बाय दिस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ऐसे हर बार करना है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, पहले वैल्यू कॉन्स्टेंट उस तरफ, मतलब इसमें एक्स वाई नहीं है वो उस तरफ, बाकी ऐसे डिवाइड होगा फिर, ठीक है, हाँ तो क्या आएगा, तो एक्स बाई रूट फाइव प्लस में टू बाई रूट फाइव वाई इक्वल टू वन बाई रूट फाइव, बस यही बन गया, कुछ नहीं करना है, क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म की, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, अब तो हेयर बताओ कोस अल्फा कितना है 1/√5, साइन अल्फा कितना है 2/√5, क्लियर है ना, और पी कितना है 1/√5, ये पी, ये साइन अल्फा और ये 1/√5 कोस अल्फा, ठीक है, आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें इसके, देखिए स्टूडेंट्स फिर से मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है, बनानी है नॉर्मल फॉर्म, जैसे बताया था वैसे ही करना है, बट थोड़ा चेंज, देखना ये इक्वेशन है कैसे बने नॉर्मल फॉर्म, तो इसमें ये वैल्यू पहले वहाँ जाएगी जो स्टेप बताया मैंने वो, तो क्या होगा 5x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 26, बस बात ये कि इधर माइनस में नहीं हो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में ही होनी चाहिए, माइनस हो गई तो ये तो कहलाएगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो ये ध्यान रखना पहले नेगेटिव साइन इधर लेके आएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा माइनस 5x माइनस 12y इक्वल टू 26, ऐसे बनाना है पहले, उधर माइनस नहीं रखना है आपने, इधर लेके आएंगे, और अब कितने डिवाइड करना है लिखो, वही केस, डिवाइड बाय रूट में 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो 13 हो गया है ना, तो क्या बनेगा माइनस के 5/13 है, माइनस के 12/13 वाई 26/13, तो देखो ये बनी इक्वेशन माइनस के 5/13 एक्स
माइनस के 12 बाई 13 वाई इक्वल टू 2 हो गया। हाँ तो विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स करना क्या है आगे, तो हेयर अगर पूछे आपसे तो बता दो कोस अल्फा माइनस के 5 बाई 13 साइन अल्फा माइनस के 12 बाई 13 और पी इक्वल टू कितना हो गया 2 ये वाला। आई होप क्लियर हुआ होगा जो बताई बातें मैंने, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इधर नेगेटिव आएगा तो पहले उसे पॉजिटिव करना है, इधर सब नेगेटिव लेके चलो। ये होती है नॉर्मल फॉर्म में कि किसी सिंपल इक्वेशन को चेंज करना हो नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। आई होप क्लियर सारी बातें, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, बट इस बार अल्फा निकालना है और पी निकालना है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में दो बातें हैं, अल्फा भी निकालना है और पी भी निकालना है, और रिड्यूस करना है पहले नॉर्मल फॉर्म में। तो करें क्वेश्चन को, तो क्या बनेगा एक्स माइनस में रूट थ्री वाई इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि ये वैल्यू एक्स वाई के बिना है इधर आएगी माइनस टू, माइनस साइन यहाँ आएगा, देन माइनस एक्स प्लस में रूट थ्री वाई इक्वल टू टू, ये हुआ ना। अगले स्टेप पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको डिवाइड कितने से, देखो डिवाइड बाय रूट में एक्स वाली कितना है माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री से पहले रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ होगा तो क्या आएगा माइनस, ये तो टू हो जाएगा ना, थ्री प्लस वन फोर, फोर का टू, हाँ तो माइनस वन बाई टू एक्स प्लस में रूट थ्री बाई टू वाई इक्वल टू टू बाई टू, स्टूडेंट्स कितना हो गया वन, टू बाई टू वन। तो विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, कि ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। हेयर कोस अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाई टू साइन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू और पी इक्वल टू कितना हो गया वन, मतलब ये तो आगे डिस्टेंस हुआ, साइन अल्फा आया दिस इससे पहले और कोस अल्फा दिस, ये वैल्यू आ गई, चाहिए अल्फा भी, तो मैं दोनों में अल्फा कैसे निकालूं स्टूडेंट्स। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना साइन कोस दोनों अटक जाए तो इनसे टेन बना लिया करो, इजीली हो जाएगा, टेन बनाए, नाउ इन दोनों को डिवाइड कर लो साइन बाई कोस, ये हो गया टेन अल्फा इक्वल टू साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, कोस की वैल्यू माइनस वन बाई टू, टू से टू कट हो गया तो कितना आएगा माइनस में रूट थ्री, टेन की वैल्यू माइनस रूट थ्री कहाँ होती है, तो क्या लिखोगे टेन अल्फा इक्वल टू टेंजेंट 120 भी होती है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना, टेन से टेन कैंसिल, देन अल्फा इक्वल टू 120 और पी इक्वल टू वन, हाँ तो एंगल तो आएगा 120 डिग्री और पी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन वन यूनिट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाने ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वीडियो भी छोटी बन जाएगी और एक्सरसाइज अभी कंप्लीट है। क्या लिखा है मैंने, विच ऑफ द लाइन, दोनों में से कौन सी लाइन है, ये लाइन एंड ये लाइन इज फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर कौन सी लाइन है, ठीक है। तो ओरिजिन से दूर कौन सी होती है, जो जिसकी डिस्टेंस दूर, वो इक्वेशन दूर हो गई, सीधी सी बात है ना। तो आप दोनों इक्वेशन से बनाए नॉर्मल फॉर्म पहले, ठीक है, लिखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशंस, पहली क्या इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है x माइनस 4 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ से 3 इधर आएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, इक्वल टू माइनस में 3, यहाँ से x माइनस 4 वाई इक्वल टू 7 आएगा, यहाँ से नेगेटिव साइन हट के ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। दोनों बना रहे पहले बना रहे दोनों की नॉर्मल फॉर्म। अब कितने से करो डिवाइड, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, डिवाइड 5 से होगा 2 रूट 5 एक्स, आप लिख लेना 1 बाई रूट 5 वाई इक्वल टू 3 बाई रूट 5, यहाँ से 16 प्लस 1
17, तो 1 बाई रूट 17 एक्स माइनस 4 बाई रूट 17 वाई इक्वल टू 7, सॉरी 7 बाई रूट 17 आएगा, 7 बाई रूट 17। हाँ तो क्या लिखो, वो लिख देना आपकी दोनों इक्वेशन ऑल फॉर्म में है। तो हेयर P1 इक्वल टू 3 बाई रूट 5 एंड P2 इक्वल टू 7 बाई रूट 17, ठीक है। P1 P2 मान ली दोनों मैंने डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये तो आएगा 1.3 के लगभग सोल्व करोगे तो, और ये आएगा 1.7 के लगभग सोल्व करेंगे तो ज़्यादा कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि P2 ग्रेटर देन P1, तो ये वाली लाइन ये फर्स्ट ले लो और ये ले लो सेकेंड लाइन। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकेंड फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक तो बताया मैंने। आज के तो इक्वेशन सारे सिंपल ही थे, ऐसे कोई बात नहीं थी। तो ध्यान रखना कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं।